मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस बार बेसिक शिक्षा विभाग के सभी विद्यालय 25 जून से ही खुल जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर 25 से 30 जून के बीच सभी ब्लॉकों में शिक्षकों के साथ बैठक की जाएगी। बीएसए ने बताया कि जनपद के सभी स्कूलों के बच्चों को ड्रेस आ चुके हैं, जूता मोजा आ चुका है, बैग आ चुके हैं, जो 15 जुलाई तक सभी बच्चों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिसका वितरण 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। बीएसए ने बताया कि पिछली बार सिर्फ परिषदीय स्कूलों के बच्चों को ही बैग दिया गया था, लेकिन इस बार जूनियर हाई स्कूल के बच्चों को भी बैग दिया जाएगा। बीएसए ने बताया कि स्कूलों में नामांकन किए जाने में गोरखपुर जनपद का प्रदेश में तीसरा स्थान है। उन्होंने कहा कि स्कूल चलो अभियान के तहत अधिक से अधिक बच्चों को नामांकन के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए बीएसए बीएन सिंह ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 जून को लखनऊ में पहली बार बैठक बुलाई थी समस्त बीएसएस और डीआईएस शिक्षा विभाग के, जिसमें स्पष्ट निर्देश था कि विद्यालय 25 जून से ही खुलेगा और एक से क्लासेस विधिवत चलने लगे। इसके लिए सारी तैयारियां पूर्ण कर लेनी है, जिस सापेक्ष 25 तारीख से 30 तारीख तक विशेष अभियान चला करके ब्लॉक स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिया था कि प्रधानाचार्यों से बैठक की जाए उनके साथ, तो 25 से हम शुरू कर रहे हैं और 30 तक सारे ब्लॉक पे बीआरसी पे बैठ करके विद्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष जनपद में पुस्तकें आ चुकी हैं, बैग आ चुका है, जूता मोजा आ चुका है और 15 जुलाई तक बच्चों को ड्रेस देना है, तो प्रयास ये हो रहा है कि 1 जुलाई को ही किताब, बैग और जूता मोजा बच्चों को उपलब्ध करा दिया जाए और ड्रेस भी अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को उपलब्ध करा दिया जाएगा और फर्स्ट वीक जुलाई प्रथम सप्ताह तक ये कार्य संपन्न करा लेना है, ऐसी कार्य योजना है। नहीं, हमारे पिछली बार परिषदीय बच्चों को बैग दिया गया था, इस बार वो संख्या बढ़ा करके राजकीय आ गया है, कस्तूरबा है ही, माध्यमिक एडेड के भी विद्यालय समाहित हो गए हैं और ड्रेस हमारे परिषदीय बच्चों को दिया जाएगा। हाँ, तो आज की तारीख में प्रदेश में हमारा तीसरा स्थान है नामांकन में और 1 जुलाई से लेकर के लगातार स्कूल चलो अभियान हमारा जारी रहेगा। साथ ही साथ जो संक्रमित रोग हैं आर ए उस पर भी रोज प्रभात फेरी की जाएगी, विद्यालयों पे आयोजन किया जाएगा, साफ सफाई के विषय में बच्चों को बताया जाएगा, जैसे यह संक्रमित रोग अधिक से अधिक कम से कम फैले, अधिकतर लोगों तक यह पहुँचे कि साफ सुथरे रहो। हाँ, स्कूलों में डेस्क बेंच भी लग रहा है, शासन से मांगा गया है और हमने सूची भी उपलब्ध करा दी है। हमारे लगभग 1000 के आसपास विद्यालयों में डेस्क बेंच है, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी हमको सहायता दिया है, जैसे आशादीप, रोटरी क्लब। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निधि से पूरे नगर क्षेत्र में डेस्क और बेंच उपलब्ध कराया है, सरकार के स्तर से भी डेस्क बेंच दिया जा रहा है और कुछ हमारे टीचर अपने से या बहुत सारे जनप्रतिनिधि गोंद लेकर के भी स्कूल को सुंदर बढ़िया बना रहे हैं। हाँ, पिछले वर्षों में ऐसा रहा है लेकिन अब वो चीज़ खत्म हो गई। पहले लोग सोचते थे जुलाई में एडमिशन कराया जाए, लेकिन इस पिछले अभी जो जून 20 मई को खत्म हुआ तो उसमें एडमिशन अधिक हुए हैं और जो बचा हुआ वो जुलाई में हम सब लोग एडमिशन करा करके हमारा लक्ष्य है 15% अधिक हम उसको प्राप्त भी कर लेंगे। अभिभावकों से हम स्वयं में भी संपर्क करते हैं, हमारे टीचर भी संपर्क कर रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी भी निर्देश दिया गया है, विशेष अभियान चला करके नामांकन कराना है और बच्चों को शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सारी सुविधाओं को पहुंचाना है।